बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के कप्तान इमरान खान साहब के और सबका खत होने वाले पुछ रहे बीबी साहबा के केसेस के हवाले से अपडेट्स ये हैं। एक तो अलकादर ट्रस्ट केस, जैसा आपको पता है कि एक झूठा केस बनाया गया और फिर जिस तरह से तमाम केसेस चलाए गए, पहले बनाए गए फिर चलाए गए, वो आपके सामने है बंद कमरे के अंदर, खुद ही वकील अपॉइंट करके, खुद ही जनाब सारी कार्रवाई करके और गैर कानूनी तरीके से ट्रायल चलाकर खान साहब को, सबका खजून अवर बुशरा बीबी साहबा को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, तमाम हमारे जिधर जिधर भी सजाएं दी गई। अब मामला क्या है? मामला यह है कि 6 जजेस के उस लेटर ने मोहर लगा दी है कि इमरान खान साहब के ऊपर केसेस झूठे बनाए गए और गैर कानूनी तौर पर उनके अंदर फैसले दिलवाने के लिए जिस तरह से आला अदलिया के ऊपर प्रेशराइज उसको किया गया, उसके काम में मुदाखलत की गई एजेंसियों की तरफ से, वो उसने मोहर लगा दी है। तो लिहाजा अलकादर ट्रस्ट केस उसी तरह से चलाया जा रहा है जैसे साइफर हो, तोशाखाना हो या इद्दत के दौरान निकाह वाला केस हो। अब आपने देखा कि तोशाखाना केस जो ही ऊपर आया तो अदालत ने कहा कि ये कैसे केस नीचे चलाया गया, कैसे सजा दी गई है, और इसी बुनियाद के ऊपर सजा सस्पेंड हुई कि गैर कानूनी तौर पर वो ट्रायल चलाया गया और कोई उसके अंदर कोई एविडेंस नहीं है, वकील खुद से ही अपॉइंट करके सरकार ने, और सिर्फ मकसद क्या था कि इलेक्शन से पहले खान साहब को किसी सूरत जो है वो सजा देनी है। लिहाजा अलकादर भी उसी तरह से चलाया जा रहा है। अलकादर ट्रस्ट केस जैसे बनाया गया है, इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो अलकादर यूनिवर्सिटी के एक ऑफिसर अदालत में पेश होते हैं और वो कहते हैं कि इमरान खान का या साबका खतून अव्वल का इस केस के अंदर फाइनेंशियल हवाले से, यानी कि उन्होंने कहा कि रत्ती बराबर भी, एक पैनी भी इन्होंने बेनिफिट नहीं लिया, इनके अकाउंट में नहीं गया, तो फिर केस किस बात का? वो तो ट्रस्टी हैं। एक अच्छा काम करना जो इनसे कभी हो नहीं सका, ये पीडीएम से एक अच्छा काम करना, तो उसके ऊपर उल्टा मुकदमा बना देना, कोई दिखाए ना कोई इनकी बनाई हुई कोई नमल यूनिवर्सिटी हो, कोई दिखाए शौकत खानम हॉस्पिटल का एक भी मुतबादल। तो ये इस तरह से केस चलाया जा रहा है। आज वहां पर गवाहों के बयानात कलम बंद हो रहे हैं जी, ये हो रहा है, सारी कार्रवाई झूठी है। इसके साथ साइफर केस की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है। इसमें आज समाअत के दरमियान आपको पता है कि आर्गुमेंट्स दलाइल जारी हैं, जो तो जो ही दलाइल जो हैं दोनों साइडों से मुकम्मल होंगे तो उसके बाद ही जाकर इसके अंदर फैसला होगा। तो देखते हैं इसके अंदर आज क्या कार्रवाई किस हद तक होती है, चीफ साहब कितना सुनते हैं, साथ मौजूद जज दो रुकनी बेंच समाअत करेगा। तो इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि खान साहब इस वक्त जो है तोशाखाना केस उसमें सजा मुअत्तल होगी, अब दो केस ऐसे रह गए हैं जिनमें खान साहब को सजाएं हुई हैं, एक है इद्दत के दौरान निकाह वाला केस और एक ये साइफर वाला, और जो तीसरा केस है ये अलकादर ट्रस्ट केस, इसके अंदर खान साहब को सजा नहीं हुई, इसके अंदर ट्रायल चल रहा है, इसके अंदर जमानत के लिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया हुआ है। तो दो केसेस में सजाएं सस्पेंड होती हैं और इस केस में जमानत कन्फर्म होती है, तो फिर कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें खान साहब की गिरफ्तारी इस वक्त जो है वो डाली गई हो। हाँ, इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि किसी टाइम भी ये नए मुकदमा बनाकर किसी नए मुकदमे में या 3MP के तहत गिरफ्तार कर लें, वो इनसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं आपने रखनी, लेकिन इस वक्त का स्टेटस ये है। आज अदलिया की आज़ादी के हवाले से एक जो है प्रोटेस्ट किया गया था, उसके ऊपर भी, खान साहब के ऊपर भी और तमाम दीगर जो है पॉलिटिकल लोगों पे और तमाम हमारे वर्कर्स के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई थी। आज एक मुकदमे में खान साहब को बरी कर दिया गया है, और किस बुनियाद के ऊपर बरी किया गया है कि कोई शवाहद नहीं मिलते। अब एक बंदे को आप बार बार अदालत बुला रहे हो एक झूठे केस के जरिए, वो पहले अबूरी करा रहा है, फिर कन्फर्म हो रही हैं, फिर हाजिरियाँ हो रही हैं, फिर चलान आ रहा है,
तो यानी आप एक साबका वजीर आजम के ऊपर, एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह के ऊपर, एक मुस्लिम उम्मा के लीडर के ऊपर आप इस तरह से, आप इतने गिर गए कि आपने झूठे केसेस बनाने हैं, सरकार का वक्त पैसा जाया करना है, और उसके ऊपर आपकी जुर्रत कैसे होती है कि आप झूठे केसेस बना दें? कोई शर्म का मकाम नहीं है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी केस जो है उसमें भी खान साहब की बरियत हुई है। इसके अलावा जितने और केसेस हैं जिसमें खान साहब का रोल 109 का है, यानी कि उनकी माँ के ऊपर, वो बरी हो रहे हैं। इसी बुनियाद के ऊपर बरी हो रहे हैं कि कोई शवाहिद नहीं मिले, कोई एविडेंस नहीं मिली। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह हक है, तमाम केसेस में खान साहब इंशाल्लाह सुरखरू होंगे, लेकिन रिहाई की हद तक आपने बिल्कुल तैयार रहना है। जिस वक्त भी कप्तान कॉल दे, हमारी तरफ से कॉल आए पार्टी की तरफ से, तो भरपूर तरीके से आपने निकलना है। जब पूरा पाकिस्तान निकल आएगा ना, तो इंशाल्लाह ताला उस दिन रिहाई भी और आपकी मुल्क के अंदर हकीकी तब्दीली होगी। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद।